Hi, this is Gurumar and welcome to my 6-week Shredder program. Guys, this is Guru Man from 6-week Shredder program और ये है हमारी meal number 5 dinner जो कि हमारे exercise post workout meal के एक घंटे बाद आपने जो dinner consume करना है it's very important should be complex carbohydrate protein and healthy fat तो हमारे पास जो ingredient है 1/4 cup yogurt 1 chapati 2 tablespoon cabbage 2 tablespoon onion 2 tablespoon cucumber khira, 2 tablespoon tomato, dark kidney bean rajma, 1 spoon ketchup, salt, pepper, olive oil. ये जो recipe है बहुत ही easy है. आपने कुछ cooking में इतना ज़्यादा time spend नहीं करना. इसका preparation time total five minute है. और आपको जो मैंने यहाँ पर beans लिए हैं rajma, ये cooked है, already cooked किए हैं, पानी drain किया हुआ है, इसमें कुछ नहीं है. और सिर्फ यही है जो आपने बल्क में कुक करना आप ध्यान रखें आप इस प्रोग्राम में आपने जो वर्कआउट डेज में सेम मील कंज्यूम करनी है 6 डे और 7th डे पर आप मील चेंज कर रहे हैं और इसको आप बल्क पर कुक करें कुक करके आप इसको अपने फ्रिज में रख सकते हैं ताकि आपको बार बार कुक करना ना पड़े सो सबसे पहले मैं बीन्स को क्रश करूँगा सो सबसे पहले मेरा काम है यहाँ पर योगर्ट है आपने योगर्ट के अंदर जो एक स्पून वन स्पून आपने केचप डालनी है ओनली वन स्पून बिकॉज ध्यान रखिए इसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट है सॉल्ट एंड सोडियम एडेड सो आप सबसे पहले इसमें केचप डालेंगे एंड देन मिक्स इट प्री वेल योगर्ट एंड केचप इसके बाद अब आपको सिंपल जो प्रोसीजर है वेरी सिंपल आपने सारा कुछ इसमें अब डाल देना इसमें अनियंस कैबेज और क्यूकम्बर सारी वेजिटेबल्स आपने इसमें डाली और अब आपने इसको दोबारा मिक्स करेंगे आप देख सकते हैं लुक्स रियली नाइस लुक्स गुड एंड क्लीन अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें अब सॉल्ट पेपर थोड़ा स्प्रिंकल करेंगे मिक्स करने के बाद हमारे पास ऑलिव ऑयल है गाइस यू हैव टू गेट ऑलिव ऑयल इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल It's a good source of fat, one of the best oil in the world. So, आप ध्यान रखिए आपने बहुत ही कम यूज़ करना है, सिर्फ एक सर्विंग पूरे दिन में, one spoon, that's it. So, इसमें मैं अब पूरा one spoon नहीं यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा कम यूज़ करूँगा. अगर आपके पास जो आपका योगर्ट है, वो non-fat है, तो आप one spoon यूज़ करेंगे. अगर आपका योगर्ट रेगुलर योगर्ट है जिसमें काफी फैट है तो सिर्फ हाफ स्पून यूज करें क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी काफी फैट है वो फैट अच्छी नहीं है इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ आप लो फैट और नॉन फैट प्रेफर करें कोई भी डेयरी मिल्क और योगर्ट एनीथिंग और पनीर शुड बी लो फैट जो योगर्ट है मैंने लिया ये नॉन फैट है सो अब ये मैं यहाँ पर 1 स्पून ऑलिव ऑयल ये सारा मैं तैयार कर रहा हूँ और टॉपिंग मैंने टॉप करनी है इसके अंदर और जो आज की रेसिपी है इट्स रोटी रोल सो बीन वेजिटेबल रोटी रोल ये रेसिपी है जो कोई रैंडम नेम मैंने दिया इसको और रोटी रोल वेजिटेबल्स बीन्स सो हमारे पास सिंपल इसकी वेरी सिंपल रेसिपी 1 चपाती सो अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे बीन्स हम सारे बीन्स इसके ऊपर डाल देंगे आप बीन्स को अच्छी तरह से क्रश कर सकते हैं और ध्यान रहे आपकी जो बीन्स है ठंडे ना हो आप थोड़ा सा उसे वार्म कर सकते हैं अगर आपने बल्क में बनाए हैं और फ्रिज में रखे हुए हैं थोड़े से वार्म कर लें आप और ड्राई होने चाहिए कोई लिक्विड पानी इसमें ज्यादा नहीं होना चाहिए तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आपका आपने देखे रोटी के थोड़ा सा हिस्सा छोड़ना है यहाँ पर क्योंकि इसको मैंने फोल्ड करना है तो ध्यान रखना आपने यहाँ पर लगभग 2 इंच रोटी की स्पेस छोड़ेंगे ताकि मैं इसको रोल कर सकूं अब जो नेक्स्ट हम हमारी जो
टॉपिंग है दैट्स वेरी सिंपल ऑल वेजिटेबल्स एंड योगर्ट कैबेज एवरीथिंग और मैं डालूंगा आफ्टर योर इंटेंस ट्रेनिंग आफ्टर योर इंटेंस 6 week प्रोग्राम ट्रेनिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीफिल योर ग्लाइकोजन विद गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हेल्दी प्रोटीन फाइबर्स एंड हेल्दी सोर्स ऑफ फैट दीज आर की न्यूट्रिएंट्स ऑल माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स तो और लास्ट हमारा जो स्टेप है हम रोल करेंगे पहले सबसे पहले नीचे से ऊपर एंड देन आफ्टर आई रोल दिस साइड आई गोना रोल फाइनल इस साइड करेंगे और इसी साइड का जो मैंने नीचे जो नेपकिन रखा हुआ है